बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आपके साथ में। आपको भाई आज का डॉलर का और रियाल का रेट आज का जो चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के मुतल्लिक आपको इससे आगाह कर देता हूँ। मजे करें जी, मैं तो वीडियो के शुरू में ही आपको ये बोल देता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी मजे करें। अब वो कैसे भाई, रियाल रोज बरोज अप ही जा रखा है। जाहरी सी बात है, डॉलर अप होगा पाकिस्तान में तो भाई रियाल अप होगा। इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा थोड़ा, यानी कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो पाकिस्तान में रियाल का रेट बढ़ेगा, डॉलर का रेट कम होगा तो पाकिस्तान में रियाल का रेट भी कम होगा। तमाम तर करेंसी जितनी भी ओवरसीज होती हैं इनका डॉलर के ऊपर ही भाई ये सारा रद्दोबदल होता है या रद्दोबदल होता है, यानी कि आपका पाकिस्तान में डॉलर बढ़ रहा है तो रियाल भी बढ़ रहा है। बहरहाल यहां पर मैं आपको अभी डॉलर का रेट से अपडेट करता हूं, उसके बाद आपको रियाल का रेट भी बता देता हूं मैं। अगर पाकिस्तान में भाई डॉलर के मुताबिक बात करें तो आपको पता है 175.27 रुपए से नीचे होकर 169 रुपए पर आ चुका था, अभी फिर से ये ऊपर जा रहा है रोज बरोज। अभी देख लें यहां पर 172.93 रुपए था जी कल का रेट, और आज देख लें 174.19 रुपए। ठीक है जी, इस चीज से आप अंदाजा कर सकते हैं कि 174.19 रुपए और 1.26 रुपए या 27 पैसे गालबन एक दिन में बढ़ा है। तो अगर रियाल के रेट के मुतालिक बात करें तो भाई रियाल का रेट यहां पर आपको दिखा रहा हूं मैं, कल का रेट था जी 45.67, ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और आज का रेट है 46.29। इसमें आप देख लेंगे यहां पर कितना फर्क आ चुका है, यानी कि अगर हम बात करें 60 पैसे का इसमें भी फर्क आ चुका है एक ही दिन में। 45.67 था भाई, आज हो चुका है 46.29। अच्छा, इसके मुताबिक थोड़ी डिटेल भी आपको बता देता हूं मैं, और अगर इंडिया के मुताबिक बात करें तो इंडिया में देख लीजिए 19.86 रुपए हो चुका है, जो कि कल 19.76 रुपए था। अच्छा, डॉलर के रेट में भाई 10-20 पैसे अप डाउन होते रहते हैं। आप किसी इंजाज बैंक में, राजीव बैंक में जाते हैं, ये जो मैंने आपको रेट बताया 46.29, इससे 10-20 कम हो सकते हैं, ज्यादा यानी कि 1 रुपए कम है इससे 2 रुपए, ऐसा नहीं होगा, इससे 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, ऐसे थोड़ा बहुत वक्त के हिसाब से, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से फर्क पड़ता है।